नमस्कार, आप देख रहे हैं पल पल। आपने चंडीगढ़ का रॉक गार्डन तो देखा ही होगा। ऐसा ही कुछ किया है फतेहबाद के भट्टू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात SMO डॉक्टर सुजाता बंसल ने। बेकार पड़े वाहनों के टायरों को कुछ ऐसा रूप दिया कि लोग अब इलाज करवाने के बहाने से देखने अस्पताल आने लगे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अब लोग केवल इलाज करवाने ही नहीं बल्कि यहाँ की व्यवस्था हरियाली को देखकर सुबह शाम सैर करने भी पहुँच रहे हैं। खासकर बच्चे इन कलाकृतियों को देखकर काफ़ी उत्साहित हैं। यहाँ आने वाले लोगों का कहना है कि हरियाणा में शायद ही इस प्रकार का कोई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होगा जहाँ ऐसा वातावरण दिया जा रहा है। यहाँ आकर बीमार व्यक्ति स्वयं ही अपने आप को स्वस्थ महसूस करने लगता है। उन्होंने कहा कि आमतौर देखा गया है कि घरों में पड़ी बेकार वस्तुओं को या तो फेंक दिया जाता है कि या फिर कबाड़ समझकर उसे कबाड़ियों को दे देते हैं, मगर भट्टू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की CMO ने जहां एक ओर इन बेकार पड़ी वस्तुओं का सदुपयोग कर अनोखी मिसाल प्रस्तुत की है, वहीं लोगों को संदेश भी दिया है कि बेकार दिखने वाली कोई भी वस्तु वास्तव में बेकार नहीं होती। इसी के साथ देखते रहिए पल पल की ये विशेष रिपोर्ट। जो भी वहाँ आने वाले लोग हैं उन्हें हरियाली अच्छी लगती है, फूल दिख रहे हो कलर्ड, और जो भी रंगीन हमने कलाकृतियाँ बनाई हैं वो देखकर एक अंदर पॉजिटिव आपका जाता है मैसेज कि हाँ सब कुछ ठीक है, और आधी बीमारी तो इन सब चीज़ों को देखते ही उनकी दूर हो जाती है, और इससे हरियाली और बेटर होती है। और जितना वेस्ट सामान यूं कचरे में जाता है और पोल्यूशन फैलाता है, प्रदूषण फैलाता है, तो वो कम हो जाता है। देखा जाता है कि लोग हॉस्पिटल के नाम से भी डरते हैं जैसे, तो अब लोग वहाँ पर घूमने आ रहे हैं, तो कैसा फील करते हैं और क्या लोगों की क्या प्रतिक्रियाएँ आ रही हैं? लोगों को बहुत अच्छा लगता है, और इन सब कामों के लिए लोग भी हमें सपोर्ट करते हैं। अब अगर हम लोग कहीं से वेस्ट टायर्स का या कहीं पे भी आसपास के दुकानों से कुछ डिमांड करते हैं कि इस टाइप की चीज़, तो आगे आते हैं कि चलो कुछ ना कुछ तो इस हॉस्पिटल में अच्छा हो रहा है। लोग भी सहयोग कर रहे हैं? सहयोग करते हैं जी। नमस्कार जी, हमारे CHC भट्टू कला के अंदर जो इस तरीके से सौंदर्यकरण किया गया है, इतना अच्छा बगीचा बनाया गया और इतनी अच्छी कलाकृतियाँ टायरों के द्वारा करके बिल्कुल नवनिर्मित तरीके से कुछ नया करने की कोशिश की गई है, बिल्कुल सराहनीय है। मैं इसके लिए CHC भट्टू कला के पूरे स्टाफ को बधाई देना चाहूँगा, बिल्कुल बधाई के पात्र है। इस तरीके का इनिशिएटिव इन लोगों ने लिया है, यहाँ पर आज ये जगह बोलते ही बनती है, लोग खुद यहाँ देखने के लिए आ रहे हैं और चर्चा का विषय पूरे भट्टू में और पूरे फतेहाबाद इलाके में बना हुआ है। तो इस तरीके की मेहनत यहाँ के स्टाफ ने करके इस जगह का सदुपयोग किया है, और एनवायरनमेंट के लिए भी ये बहुत अच्छी चीज़ है और शुद्धिकरण किया है, उसके लिए मैं पूरे स्टाफ को बधाई देना चाहूँगा। लोगों से अपील है, सभी सरकारी कर्मचारियों से भी और बाकी सभी लोगों से भी, कि अपने आसपास की जगहों का इसी तरीके से सदुपयोग करें और यहाँ से कुछ सीखें और उसको आगे भी लागू करें, ताकि हम सब थोड़ा थोड़ा मेहनत करके कुछ करेंगे तो हमारे भट्टू का, फतेहाबाद का, हरियाणा का सौंदर्यकरण होगा और कुछ अच्छा निरंतर होता रहेगा। किसी कारणवश सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भट्टू मंडी में मैं यहाँ आने का मौका मिला, देखा चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, हर्बल प्लांट्स, इतनी ज़्यादा मेहनत CHC भट्टू के कर्मचारियों द्वारा, SMO द्वारा, CMO द्वारा की गई कि सभी को देखकर बहुत ही सुकून मिलता है। यहाँ तक जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट मटेरियल है, उनका भी यूज किया गया है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, उनको कलरफुल करके ऐसा मनमोहक लगता है कि हालांकि जो लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आने से कतराते हैं, मगर हरियाली है हरियाली चारों तरफ देख करके बड़ा मन को, दिल को सुकून मिलता है। 50% लोग जो पेशेंट हैं वो आकर वैसे ही ठीक हो जाते हैं। यही हरियाली हमें देख करके हमें, हमारे समाज को ये प्रेरणा मिलती है कि हमें भी, हमें कॉलोनी के अंदर, हमारे मोहल्लों के अंदर हमने ज़्यादा से ज़्यादा पौधारोपण करना चाहिए, ताकि पर्यावरण को संरक्षण किया जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा जो वातावरण है हमारा शुद्ध हो सके। इसीलिए मैं इन CHC भट्टू के सभी कर्मचारियों को बधाई देता हूं, ताकि
मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आगे भी इसी तरह निरंतर पौधारोपण ये करवाते रहेंगे और पर्यावरण को संरक्षण के लिए कदम उठाते रहेंगे।